नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 1 जुलाई 2023, दिन है शनिवार। हिंदी तिथि आज हो गई है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा, छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ी है ब्याज दरें। सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। सरकार ने छोटी बचत योजना पर ब्याज में 0.3% की बढ़ोतरी कर दी है। छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में सरकार ने 0.10 से लेकर 0.30% की बढ़ोतरी यहां पर की है। 10 बेसिस पॉइंट से लेकर 30 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। वहीं 2 साल के डिपोजिट पर ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 5 साल के डिपोजिट पर अब 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहां पर की गई। हालांकि पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें आपको कि अप्रैल जून की तिमाही के लिए ब्याज दरों में 0.7 यानी 7 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि पीपीएफ की ब्याज दरें जो है अप्रैल 2020 के बाद 7.1% के स्तर पर ही स्तर है। पिछले 1 साल में कुछ ज्यादा समय में रिजर्व बैंक प्रमुख दरों में यहाँ पर 2.5% बढ़ा चुका है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब 67 रुपए लीटर वाले फ्यूल पर दौड़ेगी गाड़ियां। नितिन गडकरी ने कहा, अगस्त में लॉन्च करूंगा 100% एथलॉन पर चलने वाला वाहन। भारत में 100% एथलॉन फ्यूल पर चलने वाले वाहन अगस्त में लॉन्च किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने यहाँ पे एक इंटरव्यू में बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह देश एक क्रांतिकारी देश की पहल होगी, जो कि इम्पोर्ट ऑप्शन और कास्ट इम्पेक्टिव पोल्यूशन फ्री पूरी तरह से स्वदेशी यहाँ पर होगी। वर्तमान में भारतीय बाजार में एथेनॉल की कीमत लगभग 67 रुपए लीटर के आसपास है और पेट्रोल की कीमत 108 रुपए के आसपास चल रही है। अगर ऐसा होता है तो जल्दी भारत की सड़कों पर सस्ते फ्यूल के टू व्हीलर और कारें दौड़ती भी नजर आएगी। वे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगस्त में मैं 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहन लॉन्च करूंगा। बजाज, टीवीएस और हीरो ने 100% एथेनॉल पर चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई है। उन्होंने कहा कि टोयोटा कंपनी की भी 60% पेट्रोल और 40% बिजली से चलने वाली कैमरी कार की तरह ही अब देश में ऐसे वाहन लॉन्च किए जाएंगे जो कि 60% एथेनॉल और 40% बिजली से चलेंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब तड़का लगाना पड़ेगा महंगा, टमाटर के बाद अब प्याज के भाव भी छू रहे हैं आसमान। पिछले कुछ दिनों से टमाटर के दाम अचानक से तेजी से बढ़े हैं। इसका सीधा असर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ा है, लेकिन अब आम आदमी की ये मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि प्याज के भाव में भी यहाँ पर अभी आसमान छूना शुरू कर दिया है। मंडी के प्याज की कीमतों की बढ़ोतरी यहाँ पर लगातार हो रही है, ऐसे में आम आदमी का तड़का भी अब महंगा हो जाएगा। दरअसल प्याज के ताजा भाव की बात करें तो 27 जून को नासिक मंडी में प्याज की कीमत 1201 रुपए प्रति क्विंटल थी। 28 जून की कीमत बढ़कर 1280 प्रति क्विंटल यहाँ पर हो गई। 29 को ये 1280 से बढ़कर 1325 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया। वही आज नासिक मंडी में जो है 1350 रुपए प्रति क्विंटल है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र को देश भर में सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्यों में से यहाँ पर महाराष्ट्र को गिना जाता है। इसकी वजह यहाँ पर अमूमन यही है कि देश में प्याज की कीमतें तय महाराष्ट्र से तय होती है। वही नासिक को लाल प्याज का यहाँ पर जो नासिक का जो लाल प्याज है पूरे देश में प्रचलित है। बता दें आपको कि प्याज ऐसी चीज है जो गरीब से लेकर अमीर तक की थाली को यहाँ पर मिल जाएगा। वही खेती किसानी करने वाले लोग अक्सर दिन भर की मेहनत करने के बाद रोटी और प्याज खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे में प्याज की यहाँ पर जो तेजी से बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है आम आदमी की सेहत पर पड़ेगा। बता दें आपको कि देश में टमाटर की जो दाम है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब 100 रुपए से ज्यादा जो है कीमतें टमाटर की बढ़ चुकी है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो क्रेडिट कार्ड से विदेश घूमने वालों को राहत, टीसीएस को लेकर सरकार ने किया है नया ऐलान। वित्त मंत्रालय ने टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को लागू करने की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। टीसीएस का अब नया नियम जो है 1 जुलाई 2023 को लागू यहाँ पर होने वाला था, जो अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश भुगतान करता मतलब जो करते हैं ये भुगतान जो है एक वित्त में 7 लाख से अधिक है तो उसके ऊपर 20% टीसीएस देना होगा। वही मंत्रालय की ओर से टीसीएस से जुड़े नए नियम जो है वो जारी कर दिया गया। बता दें आपको कि बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फॉरन रेमिटेंस पर टीसीएस की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। वर्तमान में एलआरएस के तहत फॉरन रेमिटेंस केवल 5% के टीसीएस करता है, इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। हालांकि कुछ मामलों में इसमें छूट है और टैक्स बढ़े हुए रेट जो है 1 जुलाई 2023 से लागू हुई होनी थी, लेकिन अब 3 महीने इसको आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शराबियों के लिए खुशखबरी देखिए, दिल्ली मेट्रो में यात्री साथ ले जा सकेंगे शराब की बोतलें।
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब शराब की बोतलें अपने साथ ले जा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या DMRS ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब मेट्रो में शराब की बोतलें जाने की इजाजत होगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि यात्री शराब की अधिकतम 2 सीलबंद बोतलें जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। वही CISF के और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने यह बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। हालांकि बाद में यहाँ पर DMRC ने ट्वीट यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब तक सिर्फ मेट्रो को यहाँ पर एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की बोतलें साथ ले जाने की अनुमति थी। अब नए आदेश में दिल्ली के सभी मेट्रो लाइन पर यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने का जो काम जो है वो नहीं रहेगा, यानी शराब पीना प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को उसे लेकर यह अपील भी यहाँ पर की गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए। आम आदमी को दालों की महंगाई से मिलेगी राहत, तो सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। देश भर में टमाटर प्याज के साथ हरी सब्जियों के दाम भी अभी आसमान छू रहे हैं। वही दूसरी तरफ दाल की कीमतों ने भी आम आदमी की कमर तोड़ने पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। दालों की महंगाई से आम आदमी को जल्द राहत मिलेगी। सरकार ने तूर दाल के आयात करने का फैसला यहाँ पर लिया है। सरकार इस साल 12 लाख मीट्रिक टन तूर दाल जो है आयात करेगी। वही उपभोक्ता मामले के सचिव जो है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि पिछले साल की तुलना में 20% कम तूर की दाल पैदावार हुई है, इसलिए इंपोर्ट पर हम निर्भर है। बंपर स्टॉक से जारी से यहाँ पर कर रहे हैं, अगस्त तक इम्पोर्ट स्टॉक आ जाएगा। वही कीमतों में जो कमी है उसका ट्रेंड यहाँ पर आएगा। वही उन्होंने कहा है कि इस साल जो है 12 लाख मीट्रिक टन दाल जो है इंपोर्ट सरकार करेगी। वह चीन जो चना है उसकी कीमत के लगभग बराबर है। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की वजह से कीमतों में थोड़ा उछाल का रुख है। वही बर्मा यानी म्यांमार से यहाँ पर होल्डिंग हुई थी, अब स्टॉक आना शुरू हो गया है और से बड़े शहरों में ज्यादा दाम यहाँ पर होते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो सरकार ने लगाया है 20 रुपए से कम में बिकने वाले लेटरों पर आयात पर बैन। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने बृहस्पतिवार को 20 रुपए से कम कीमत वाले लाइटर सिगरेट जो लाइटर है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कदम उत्पाद के आयात पर लगाम लगाने के इरादे से उठाया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है DGFT उसने एक अधिसूचना में कहा है कि सिगरेट लाइटर के आयात नीति के मुक्त संशोधन यहाँ पर कर प्रतिबंध श्रेणी में से कर दिया गया है। हालांकि यदि लागत बीमा और माल भाड़ा मूल्य 20 रुपए प्रति लाइटर से या उससे अधिक है तो ये आयात मुक्त होगा। वही CIF मूल्य जो उपभोग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयातित वस्तुओं को कुल यहाँ पर मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। पाबंदी पैकेट लाइटर, गैस वाले लाइटर और रिफिल या बिना रिफिल वाले लाइटर पर भी यहाँ पर लगाई गई है। बता दें आपको कि जो पॉकेट जो है वो गैस लाइटर या फिर रिफिल बीमा रिफिल वाले लाइटर के आयात बीते वर्ष 2022-23 में 66 यानी 6,06,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लाख डॉलर यहाँ पर रहा है। 6.5 लाख डॉलर के आसपास इसकी कीमतें जो है वो रही थी।